गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो शेक, जो कि ये मेरा घर का है आम। और इससे भी मैं मैंगो शेक बनाने जा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने इतने सारे ये इसके पल्प निकाल के रखे हैं। और इसको अभी मैं वॉश कर रही हूँ, लेकिन फिर से आपको वॉश कर ले रही हूँ। और ये है मेरे ससुराल का आम, और इसको मैं अच्छे से वॉश कर ली हूँ। और इसको मैं ऐसे ऐसे काट दूंगी। यहाँ पे मैंने एक पॉलिथीन रखा है ताकि डायरेक्ट मैं उठा के इसको फेंक सकती हूँ। इसको अच्छे से छील लूँगी पहले। और गर्मियों में ये सब तो खाने में कुछ और ही मज़ा है। और सच बताऊँ तो यहाँ पे बहुत सारी चींटी है, इस किचन में तो आती नहीं हूँ मैं, मतलब इस किचन का यूज़ नहीं होता ज़्यादातर। किचन जो पुराना वाला उसका यूज़ होता है। और यहाँ पे बस मैं अपना पानी वानी लेने आती हूँ। बहुत सारी चीटी है भाई। सो बहुत छोटे छोटे वाले हैं, बड़े वाले मैंने ऑलरेडी काट लिया था, इसलिए इसका निकल नहीं रहा। और मेरे को चींटी भी काट ली है, इसलिए मेरे को ज़्यादा ये लग रहा। अभी भी चींटी मेरे ऊपर ही चल रहा था। अभी मैं अच्छे से साफ कर लूँगी। इसमें बस ऐड करना थोड़ा सा शुगर और थोड़ा सा मिल्क, बस ये रेडी। और मेरे पीए पे मत जाना, मेरी हालत यहाँ बहुत ख़राब हो चुकी है, जो है सो वैसी हूँ। इंसान को सुंदरता पे नहीं जाना चाहिए। और ये क्या है, आज ऐसी दिख रही हूँ, कल अच्छी दिखूँगी। बहुत दिनों से ब्लॉग भी नहीं डाल रही थी, तो सोची आज फिर मैं डालती हूँ कुछ अलग रेसिपी के साथ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैंगो शेक बना लूँ, तो घर का आम था तो इसलिए खुद तोड़ कर नहीं लाई। मैं एक्चुअली गई थी नीचे गार्डन में, तो उधर गिरा हुआ था, तो उठा कर लाई हूँ और उसका बना रही हूँ मैंगो शेक। कितना सारा इसका कचरा निकला है, इसको मैं नीचे गिरा देती हूँ। अभी चलती हूँ, इसमें मैं थोड़ा सा मिल्क डालूंगी, और आप चाहें तो टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर ऐड कर सकते हैं। सो आ गई हूँ अपने रूम में। और इधर बाबू है, यहाँ पे बाबू है। और सच बताऊँ तो मुझे बहुत सारा चींटी काट लिया है। सो अभी मैं बनाने जा रही हूँ बनाना सेक कर लूँ। और ये हमारे मेरे मायके से मिला है, मतलब मेरे ससुराल जब दहेज मिलता है उसमें मेरे को जूसर भी मिला था, ये ग्राइंडर। तो एक तो मिक्सी मिला था मसाले के लिए, और ये मिला था मुझे बनाना सेक के लिए स्पेशली, क्योंकि जब मैं कॉलेज में थी तो बहुत बनाना सेक पीती थी, लेकिन अभी तो बिल्कुल भी नहीं पीती। और इतना चींटी है गाइस मेरे को, अभी ना मैं सोच रही हूँ पहले वीडियो कंप्लीट कर लेती हूँ। सो चलिए इसको ग्राइंड करती हूँ पहले। बने रहना
इसमें मैं थोड़ा मिल्क ऐड कर रही हूँ। कितना मिल्क ले लूँ मैं इसमें? इसको मैं करने वाली हूँ ग्राइंड, ये देख सकते हो। सो इसको मैं इधर रखती हूँ। और इसको बनाना बहुत ही इजी है गाइस, बहुत ही इजी है। और ये यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर ले रही हूँ। ये हो चुका है, इसको लगाऊंगी। देख सकते हैं हमारा मैंगो शेक बन के रेडी है। और इसको मैं अभी पीऊंगी। और अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर करना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और इसको बनाने के लिए बहुत इजी है, अगर चाहें तो आप इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं। पहले मैंगो को ले लें, अच्छा मीठा मैंगो ले, और उसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करें, मतलब जितना आपको थिकनेस चाहिए उस तरीके से स्मूथीज भी बना सकते हैं। तो ये मैंने, मुझे थोड़ा ज़्यादा थिक नहीं रहता वो ज़्यादा पसंद है। तो इसमें आप चाहते चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने तो कोई ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं किया, बस मैंने मिल्क डाला बस, और बन गया मेरा। और आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ मैंगो और मिल्क से बनाया है जो कि बहुत ही अम्मी लगता है। और मेरा मिल्क शेक इतना मैंगो शेक बन के इतना जल्दी रेडी हो गया। अगर मेरा वीडियोस पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।